कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी लगे तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन बिहेवियर इनके साथ आज भी इंटर्न वाला ही होता है। कुछ लोग लाइफ में इतने अकेले हो गए हैं कि लोग इनको यू आर वेलकम बोले तो ये उनका एड्रेस भी पूछ लेते हैं, कब आना है बताइए। मैं सिर्फ सोशल बिहेव करती हूँ, इसलिए बोलते बॉबी को लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना एडजस्ट कर गए कि इनकी तो कॉलर ट्यून भी है, अब तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। बेसिकली तुमसे बहस कौन करे। ये ना एकदम मार देंगे, बहस निकल जाएगा। कुछ लोग हमारी ऑफिस में इतने अमीर है, इतने अमीर है कि ये हाथ धोने के लिए भी फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों की गरीबी और नसीब मतलब इतनी खराब है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घर नहीं बना पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पिछले 3 सालों से सीक्रेट सेंटा में डिओड्रेंट ही गिफ्ट मिल रहा है। हाँ भाई पता नहीं क्यों हर बार डिओड्रेंट ही देता है, पता नहीं भाई। आपको मालूम होना चाहिए क्यों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को हेलमेट की तरह ट्रीट करते हैं, हमेशा अपने सर पे बैठा के रखते हैं ताकि इनकी जान बची रहे। कुछ लोग हैं जिनका नसीब इतना खराब है कि अगर ये किसी लड़की के साथ टेस्ट मैच देखने का 5वें दिन का टिकट भी काटे तो टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाता है। फिर हम छुट्टी मना करके हम लोग 2020 के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्दी के मौसम में 3-4 दिन के लिए शॉपिंग नहीं जाएं तो ब्रांड्स के विंटर कलेक्शन में फॉल आ जाती है, मतलब गिरावट आ जाती है, फिर उसी कलेक्शन को वो लोग फॉल विंटर के हिसाब से बेचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों को बोले कि मैं जरा बाहर जा रही हूं तो घर वाले बोलेंगे बाहर ही रहना, आना मत। लोग क्रिकेट के इतने बड़े शौकीन हैं कि ये बाजार में एप्पल भी खरीदते हैं तो उसको जमीन पे पटक के अतिरिक्त उछाल चेक करते हैं। जिसमें ज्यादा होता है वो नहीं खरीदते। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि बीच पे किसी लेडी को देखे सन टैन कर रही है वो, मतलब ऐसे लेटी हुई, तो उसको भी देख के बोलेंगे अब थोड़ा सा आप पलट जाए दूसरी तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक। कुछ लोग हैं जो शादी ब्याह में यकीन नहीं रखते, इनका मानना है मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे, फैक्ट्री का मालिक क्यों बनना। पूछा लगा देते हैं अभी।